इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के परदेशीपुरा इलाके में देर रात बदमाशों ने एक वकील के यहाँ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश यहाँ से सोने चांदी के जेवर सहित नकदी पर हाथ साफ कर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, एफएसएल को भी मौके पर बुलाया गया। आसपास के कैमरे के फुटेज भी तलाशे जा रहे हैं। परदेशीपुरा पुलिस के मुताबिक चौक से धर्मशाला के पास न्यू रानीपुरा में गोपाल शर्मा अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो पेशे से वकील है। उन्होंने बताया कि देर रात बदमाश उनके घर पर पहुंचे। उनके घर का पिछला दरवाजा और खिड़की तोड़ दी गई। चोर यहां से 3 सोने के हार, 4 सोने की अंगूठी, 1 सोने की बचपन, 2 सोने के ब्रेसलेट, 2 सोने के मांग टीके, 4 सोने की चेन, 1 सोने का कमरबंद और 2,50,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। वकील गोपाल शर्मा ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि उनकी पत्नी का बर्थडे था, तो परिवार के लोगों ने पार्टी करने का सोचा। वो परिवार के सभी मेंबर्स को लेकर होटल पर डिनर के लिए चले गए। करीब 2 घंटे बाद जब वो वापस लौट कर आए तो पूरा घर उथल पुथल हो चुका था। पुलिस के मुताबिक अभी घर के आने जाने वाले रास्ते के फुटेज तलाशे जा रहे हैं। चोरी को लेकर शंका है कि किसी नजदीकी व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया है, जिन्हें पता था कि घर में घुसने के लिए पीछे से भी रास्ता है। अफसरों के मुताबिक जल्द मामले में खुलासा किया जाएगा। थाना परदेशीपुरा के अंतर्गत जो बीती रात है उसमें एक परिवार है, जो परिवार शादी समारोह के लिए पूरा परिवार गया हुआ था। जब वो लौट के लगभग 11:30 बजे के आसपास पहुंचे तो 9 बजे के आसपास घर से निकले। लौट के जब देखा है तो घर में चोरी हुई थी। इसमें पुलिस ने एक मामला पंजीबद्ध किया है अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध। और प्रारंभिक रूप से जब इसका घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो जो घर का जो पीछे का दरवाजा होता है, जो लकड़ी का था, जो पुराना घर है, जो बैक लाइन वाला वो था, उसी के माध्यम से अज्ञात चोर घर में घुसे थे और उसमें सोने चांदी और कुछ नकदी चोरी गई है। पुलिस ने इसमें 357 और 380 का अपराध पंजीबद्ध किया। We'll be right back.